हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। एयर ड्रॉप ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड आई ब्राउट सम न्यू एयर ड्रॉप्स। नहीं, आज कोई एयर ड्रॉप नहीं है, कुछ अपडेट्स हैं जो मुझे शेयर करनी है। तो एक अपडेट मैंने शेयर किया था पहले कि गोल्डर टोकन का विड्रॉ से रिलेटेड, जो कि हमें माई इथर वॉलेट पर विड्रॉ किया था, वो कॉइन बैनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है और इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी निकल के सामने आई है। तो इसमें आप देख पाएंगे इसकी रेट, लास्ट प्राइस है। शुरू में इसका रेट काफ़ी अच्छा पम्प हुआ था, जिस दिन ये लेट हुआ था ये इसी वीक के लिस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट प्राइस है इसका 0.0002 इथेरियम, और इसका आज ऑल टाइम हाई गया था 0.00129 ETH। तो काफ़ी अच्छा रेट इसका गया था। अगर कल हम लोगों को अगर एक दिन पहले भी सेकंड मैंने सेल किया होता तो काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता। तो इसका प्राइस जो है अभी डंप जा रहा है और हो सकता है एक दिन और डंप जाएगा। तो यहाँ अगर इसके टोकन आपको रिसीव हुए हैं, विड्रॉ किए अपने माइथ्रो वॉलेट में, तो यहाँ एक्सचेंज में सेल कर लें और फिर वेट करके रीबाई कर लेने, बाद में आप रीबाई कर लें फिर, क्योंकि ये टोकन हो सकता है कि इस ये फिर और भी दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। और अभी मार्केट भी जो है वो क्रैश है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस टोकन का आपको बहुत अच्छा जो है काफ़ी अच्छा प्राइस मिल सकता है, काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको इस टोकन से मिल सकती है जब मार्केट ऊपर उठेगा। तो मैंने अपने टोकन तो यहाँ पर सेल कर दिए हैं, और जब ये और एक दिन देख वेट कर लेते हैं, फिर जब ये बाइंग होगा ग्रीन लाइन आ जाएगा, बाइंग होगा, अभी सेलिंग चल रहा है तो बाइंग होगा तो मैं फिर बाई कर लूँगा। तो अपने ट्रेड कर ले, देख ले अपने अकॉर्डिंग। तो ये कॉइन बैनी एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए KYC करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने भी पहले भी एक दो टोकन्स के यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ पे विड्रॉ हो जाता है। और मैंने मेरा KYC तो यहाँ कम्प्लीटेड है, मैंने अपना KYC कम्प्लीट करके रखा है यहाँ पे कॉइन बेनी और कॉइन बी एक्सचेंज। देख लीजिए, विदाउट KYC करने यहाँ मैंडेटरी नहीं है, ये मर्काटॉक्स एक्सचेंज की तरह है। और आज फ्रेंड्स 26 नवंबर है, तो यहाँ कॉइन CCH टोकन जो थे, जो हमें रिसीव हुए थे, उसका अब इससे हमें CCH टोकन बाय करना था, क्योंकि वे हमें विड्रॉ नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर आपको CCH टोकन बाय करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाय करने का एक कंडीशन है। तो 0.1 इथेरियम $20 के मिले थे, अभी $10 का हो जो भी होगा। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पब्लिक सेल पे क्लिक करना है, आपको CCH टोकन में जाएं, पब्लिक सेल में क्लिक करें। पब्लिक सेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सब टिक कर मार्क कर देना है, और यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 0.1 इथेरियम करीबन $10 के होते हैं, वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे, क्योंकि मिनिमम 0.2 ETH चाहिए यहाँ पे टोकन को बाय करने के लिए। तो ये इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो 0.1 ETH हमें बोनस दिया, फिर 0.1 ETH में दे रहे हैं, तो 0.2 ETH से अब आप इसको बाय कर, अगर आपको इसके यूटिलाइज करना है तो देख ले। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कितना मुझे 0.1 ETH के, देखिए 5542 टोकन मिल रहे हैं, और 0.2 ETH का करीबन 11,000 टोकन यहाँ पे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बाय करना भी सही रहेगा, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट भी मुझे काफ़ी, मैंने ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, जिस तरह से इसका इसकी टीम्स वगैरह है। ICO में भी यहाँ पे ICO रेटिंग्स है इसके, और इस प्रोजेक्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो इनके टीम्स मेंबर में BitForex के जो CMO हैं वो सब इनके एडवाइज़र हैं। तो अगर आप बाय भी करते हैं तो हाँ, देखिए इनके टीम मेंबर हैं,
और यहाँ पे देखिए कि इनके टीम मेंबर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और एडवाइजर में देखिए कि एडवाइजर है नोब्स क्रिप्टो के जो फाउंडर हैं, वो हैं एक बिट फॉरेक्स के CMO हैं। तो अगर आप इसमें 0.1 ETH मैंने $10 के करीब जो होते हैं इथेरियम हैं वो डिपॉजिट करके बाय करते हैं, तो इन फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो करना चाहें तो फ्रेंड्स कर लें। तीसरा अपडेट है फ्रेंड्स जेंड टोकन का। एक लीजेंडरी कॉइन हमें मिले थे, एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, जिसका हमें 25,000 तो किसी को 50,000 टोकन मिले हैं, उसका मुझे 50,000 के करीब टोकन्स के रिसीव हुए थे। तो उसका फिर स्वैपिंग हुआ था लीजेंडरी कॉइन जेंड टोकन के रूप में, तो मुझे इसके 50,000 के 10,00,000 टोकन मुझे फिर दोबारा रिसीव हुए स्वैपिंग होने के बाद। तो ये मर्काटॉक्स एक्सचेंज पर ऑलरेडी ये लिस्टेड है, इसकी ट्रेडिंग अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ सेलर हैं, सेलर्स हैं और बायर्स तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये जो टोकन है ये इसका अपडेट आया था फेसबुक में कि ये बिग कोरियन एक्सचेंज बिटथम में ये 10 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि फिर उसके अच्छे से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो, तो ये इसका अपडेट हो। और साथ ही एक उस कॉइन हमें रिसीव हुए थे वो भी मर्काटॉक्स में लिस्टेड है, उसे आप चाहे तो होल्ड करके रखें, अभी उसकी प्राइस उतनी अच्छी नहीं है, तो डिपॉजिट कर लें जैसा आप ठीक समझें। इथेरियम पेयर में अभी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, BTC में उतनी नहीं हो रही है, तो हो सकता है इसकी सप्लाई, इस कॉइन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कॉइन की प्राइस मुझे लगता नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। तो इथेरियम में अभी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ भी इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जेंड टोकन को ट्रेड ना करें, वो आप वेट करें 10 दिसंबर में वो बिटथम एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो वहाँ बिटथम एक्सचेंज में ही उसको ट्रेड करें। यहाँ पर आप चाहे तो डिपॉजिट करके रख सकते हैं, यहाँ रखिए फिर माई एथर वॉलेट में रखें। ट्रेड करना है वो आप बिटथम एक्सचेंज में, जब वो लिस्ट हो जाएगा 10 दिसंबर के करीब, तो वहाँ पर आप उसे ट्रेड करें। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप में।